हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गणेश चतुर्थी व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा ही था कि हमने गणेश जी का पंडाल सजा लिया है, उनकी चौकी भी। सो हमारी डेकोरेशन अब तैयार है, तो अभी हम गणेश जी को लेने जा रहे हैं। गणपति ले लिए आपने? हाँ, ले लिए हमने। आपको पसंद है गणपति जी? अब चले हम घर पे, इनकी स्थापना करेंगे कल। है ओके। गणेश जी आ गए हैं। उनकी पूजा के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए और दूबा घास चाहिए, जो उनको अति प्रिय है। मम्मा गणेश जी का प्रिय भोग मोदक बना रही है, और फ्रेंड्स इन मोदक की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गणेश जी की पूजा में लगने वाली सभी सामग्री तैयार करके रख लिए, जैसे कि आरती की थाली, पंचमेवा, मोदक, आम के पत्ते, दूब घास, फल और फूल। अब हमने एक चौकी ली है, इसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे, थोड़े से अक्षत लेके उनसे हम साथिया बना लेंगे और जो गणेश जी की प्रतिमा है उनको स्थापित कर लेंगे। ऐसे ही हम छोटे गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर लेंगे। अब हम गणेश जी के राइट हैंड साइड पे अक्षत से एक अष्ट दल बनाएंगे और कलश को स्थापित कर लेंगे। अब गणेश जी की लेफ्ट हैंड साइड पे हम अखंड ज्योत को स्थापित कर लेंगे। हम संकल्प लेंगे और उसके बाद गणेश जी के ऊपर से लाल कपड़े को हटा लेंगे। अब हम गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। गणेश जी को स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे और अब गणेश जी का हम तिलक करेंगे। अब हम गणेश जी को सबसे पहले पंचमेवा और उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएंगे, और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। और आज मम्मा ने घर पे गणेश जी का कीर्तन रखा है, और बहुत सी आंटी लोग आए हैं जो गणेश जी के भजन गा रहे हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा टब ले लिया है, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसको हम आम के पत्ते और फूल से डेकोरेट कर रहे हैं। उसके अंदर हम गंगा जल डाल रहे हैं और बारिश हो रही है, और बारिश का पानी भी हमारे टब में गिर रहा है। अब हम इसको नॉर्मल पानी से भर लेंगे। टब को भरने के बाद हम उसमें चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल डाल देंगे।
अब हम गणेश जी की विसर्जन से पहले आरती कर लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अगले वर्ष जल्दी आए और हमें उनकी सेवा करने का अवसर दें। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। की पोटली तैयार करके रख ली है जिसमें हमने गणेश जी के प्रिय मोदक रखे हैं, जैसे कि उन्हें रास्ते में भूख ना लगे और भूख लगे तो आराम से खा सके। सॉरी गाइस, हम गणपति विसर्जन की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सब लोग गणपति विसर्जन बहुत बिजी थे, इसलिए किसी ने वीडियो शूट ही नहीं की। 1 2 3 4 गणपति बप्पा की जय जयकार।